जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो आश्रम में। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। ये जो सप्ताह रहने वाला है 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 2021 की हम बात करेंगे। पहली राशि है मेष राशि, एरीज की बात करेंगे। विश्वासघात मिल सकता है इस सप्ताह आपको। किसी पर अतिविश्वास करने से आपको सावधान और बच के रहना चाहिए। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। नौकरी व्यवसाय में लाभ के योग हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। छात्रों को सफलता मिलने वाली है। माता पिता का आशीर्वाद इस सप्ताह आपको मिलता रहेगा। अगली राशि की बात करेंगे वृषभ राशि, टॉरस की बात करेंगे। लंबी दूरी की यात्रा से आपको इस सप्ताह बचना चाहिए। आर्थिक स्थिति लेकिन अच्छी रहने वाली है। संतान पक्ष से कोई सुखद या शुभ समाचार मिल सकता है। कोई नया प्रस्ताव व्यवसाय में आपको इस सप्ताह मिल सकता है। वाणी पर इस सप्ताह थोड़ा सा आपको संयम रखना चाहिए। अगली राशि है मिथुन राशि, जैमिनी की हम बात करेंगे। अपनी किसी कीमती वस्तु का आपको इस सप्ताह ध्यान रखना चाहिए। चोरी होने का भय या खतरा बना हुआ है, ऐसी संभावना बन रही है। धन उधार देने या उधार लेने से इस सप्ताह आपको बचना चाहिए। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं इस सप्ताह। यदि कोई आपने प्लान किया हुआ था वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस सप्ताह। धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। अगली राशि की अगर मैं बात करूं, कैंसर कर्क राशि की बात करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। पदोन्नति के योग यहां पर दिख रहे हैं। कोई कानूनी विवाद यदि आपका चल रहा था तो उसमें सफलता मिलने वाली है। धन वृद्धि के योग हैं। परिवार में हर्ष का माहौल पूरे सप्ताह बना रहेगा। जीवन साथी का सहयोग इस सप्ताह आपको मिलेगा। संतान पक्ष से भी कोई सुखद या शुभ समाचार मिल सकता है। अगली राशि की बात करेंगे सिंह राशि, लियो की बात करेंगे। भूमि जायदाद में वृद्धि होती हुई दिख रही है। व्यवसाय और नौकरी में लाभ पदोन्नति संभव है। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं या धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं सप्ताह। जीवन साथी का सहयोग भी पूरे सप्ताह मिलेगा। स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलने वाला है सप्ताह। अगली राशि की बात करेंगे वर्गो कन्या की बात करेंगे। शेयर भूमि में निवेश करना अगर चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको बचना चाहिए। किसी को उधार देने से भी इस सप्ताह आपको बचना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना चाहिए। परिवार का साथ इस सप्ताह मिलता रहेगा। धन लाभ के योग हैं। अतिविश्वास से आपको बचना चाहिए। किसी भी धार्मिक आयोजन का हिस्सा आप बन सकते हैं। अगली राशि की बात करेंगे तुला राशि, लिब्रा की बात करेंगे। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विवाह या प्रेम प्रस्ताव आपको इस सप्ताह मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। समय लाभ दिलाने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इस सप्ताह। परिवार में इस सप्ताह हर्ष का माहौल रहेगा। छात्रों को ये सप्ताह अच्छे परिणाम देकर जाने वाला है। अगली राशि की बात करेंगे वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियस की बात करेंगे। प्रेम प्रस्ताव मिलेंगे। कोई शुभ समाचार भी इस सप्ताह आपको मिल सकता है। आय के नए स्रोत नए सोर्स बनेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको इस सप्ताह। कोई भी नई योजना जो भविष्य को लेकर आप बना रहे थे तो बना सकते हैं और भविष्य में वो योजनाएं आपको लाभ दिलाने वाली होंगी। अगली राशि की बात करेंगे सजिटेरियस, धनु राशि की बात करेंगे। नौकरी व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं। धन लाभ का भी योग इस सप्ताह बन रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस सप्ताह आपको रखना चाहिए। कार्यों में सफलता मिलेगी। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं। छात्रों को इस सप्ताह अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अगली राशि की बात करेंगे मकर राशि, कैप्रिकॉन्स की बात करेंगे। व्यर्थ के खर्चों से इस सप्ताह आपको बचना चाहिए। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शेयर भूमि में यदि निवेश करना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह रुकना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नौकरी व्यवसाय में उन्नति और लाभ के योग बन रहे हैं। यात्राओं के भी योग इस सप्ताह बन रहे हैं जो आपको भविष्य में लाभ दिलाने वाली होंगी। अगली राशि की बात करेंगे कुंभ राशि, एक्वेरियस की बात करेंगे। यश सम्मान मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। भूमि वाहन यदि खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह खरीद सकते हैं। शेयर में यदि निवेश करना चाहते हैं तो निवेश भी कर सकते हैं जो लाभ दिलाने वाले होंगे। छात्रों को भी उन्नति मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार इस सप्ताह आप। अगली राशि की बात करेंगे मीन राशि, पाइसिस की बात करेंगे। धन लाभ के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। सफलता के भी योग इस सप्ताह बनते हुए दिख रहे हैं। मित्रों से इस सप्ताह आपकी भेंट होगी। परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा। जीवन साथी से थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है। छात्रों को उत्तम और अच्छे परिणाम इस सप्ताह मिलेंगे। वाहन से इस सप्ताह थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। नमस्कार।